वेलकम टू वर्षाज ट्यूटोरियल्स आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं टेन सी बी एस सी साइंस सिंपल एंड ईजी मैथड में बच्चों हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है आपने लास्ट टाइम देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने जो दो वीडियोज़ अपलोड किए हैं पहले में मैंने ऑब्जेक्टिव बताया है रेस्पिरेशन से रिलेटेड फोर्टी इंपॉर्टेंट इंपॉर्ट एम सी क्यूज दिए हैं उसके बाद मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेन मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चन आपके लिए अपलोड किए हैं आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए आज जो हम करने जा रहे हैं वो उस दूसरा लाइफ प्रोसेसेस का दूसरा टॉपिक एक्सक्रीशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पहले हम ऑब्जेक्टिव करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो चलिए मेरे साथ जुड़िए हम क्विकली करते हैं लेकिन उसके पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है लाइक करना है शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स देना है जब मेरा ये सेशन एंड हो जाएगा टेस्ट सीरीज का तो आप मैं आपके लिए एक लाइव सेशन लूंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जाम में किस तरह से लिखना है किस तरह से प्रिपेयर करना है किस तरह से आपको फुल मार्क्स किस तरह से आप साइंस में लाएंगे चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आंसर्स तो मैं आपको बताऊंगी लेकिन आप खुद से अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा लेकिन इसको पढ़ने के पहले इसको आंसर देने के पहले मैंने एक्सक्रीशन के ऊपर जो ऑलरेडी बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था टॉपिक पहले जाके आप वो वीडियो पूरा देखिए जब आप वो वीडियो देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे आप हंड्रेड इस सारे क्वेश्चन के आंसर्स ईजिली दे सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इट मीनस फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आंसर होगा नेफ्रॉन आप सबको पता है कि किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं और ये किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन ह्यूमन के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है क्विकली आंसर दीजिए यस आंसर जो हमारे अंदर ह्यूमन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएट होता है दैट इज यूरिया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर एमिनोलिटिक मतलब कौन वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में अमोनिया प्रोड्यूस करता है ये आपको बताना है आपके ऑप्शन हैं इसमें ऑप्शन ए है बर्ड्स बी है ह्यूमंस सी है रेप्टाइल्स डी है, reptiles, D है एक्वेटिक एनिमल्स आंसर होगा आपका एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स को हम कहते हैं एनिमल्स चलिए तो आप ऑप्शन आपका डी आएगा चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं राइट डाउन द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन आपको बताना है किसमें कौन कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है ह्यूमन में बताना है आपको बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स में ह्यूमन में होगा नाइट्रोजनस वेस्ट ह्यूमन में होगा यूरिया बर्ड्स के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट इज यूरिक एसिड इंसेक्ट्स के अंदर अमोनिया और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसके अंदर भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है अमोनिया तो इंसेक्ट एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो यानी फिश और इसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज वॉटर एब्सॉर्ब आप सब जानते हैं nephron क्या? कैप्सूल और टिब्यूल से मिलकर बनता है आपको बताना है कौन से पार्ट में वाटर का एब्जॉर्बन होता है आप सब जानते हैं ग्लोमेरुलस में तो फिल्ट्रेशन हो जाता है आंसर होगा टिब्यूल तो टिब्यूल के अंदर क्या आंसर होगा प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्रिब्यूल हम सब जानते हैं यू शेप ट्रिब्यूल होती है जो पहला वाला साइड होता है हम इसको प्रॉक्सिमल ट्रिब्यूल कहते हैं और दूसरा जो होता है वो डी सी टी इसे हम कहते हैं तो आपका आंसर होगा प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्रिब्यूल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कलर ऑफ यूरिन इज येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैंने आपको थेरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आंसर आएगा बाइल पिगमेंट या जिसे हम कहते हैं बिलीरुबिन इसकी वजह से येलोइश कलर आता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विच पार्ट ऑफ द किडनी इज कनेक्टेड टू यूरेटर आप याद कीजिए किडनी का डायग्राम किडनी के बीच में क्या होता है नॉच ऑफ हाइलम जहां से यूरेटर निकलता है तो आपका आंसर होगा हाइलम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेम द सब्सटेंस अदर देन वाटर दैट आर री ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन यूरिन फॉर्मेशन में वॉटर के अलावा वाटर तो रीएब्सॉर्ब होता है लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती है जो री होती है यस आपका आंसर होगा आप सबको पता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं ग्लूकोज के एमिनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स के ये बहुत ज़रूरी होता है और टिब्यूल में जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वहां पर ये रीअब्सॉर्बेशन हो जाता है तो आपका आंसर होगा ग्लूकोज एमिनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं द डायलाइजर इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल किडनी बट इट डजेंट परफॉर्म हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं डायलाइजर को लेकिन डायलाइजर सारे काम करता है लेकिन एक फंक्शन है जो नेचुरल जो हमारी किडनी करती है वो डायलाइजर नहीं कर सकता आपको उसका आंसर देना है ऑप्शंस देख लीजिए ए है ऑस्मो जो हमारी किडनी करती है बी ट्यूबुलर सिक्रिएशन सी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और डी अल्ट्राफिल्ट्रेशन ये सारे क्वेश्चंस आपको अभी नहीं आपके आने वाले फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल होंगे यस yes, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी सिलेक्टिव री आर्टिफिशियल किडनी डायलाइजर ये नेचुरल प्रोसेस है सिलेक्टिव री ये नहीं कर सकता क्लियर है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आर बॉडी आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए है मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ किडनी यूरेटर यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर ऑप्शन बी है किडनी यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा यूरेटर ऑप्शन सी है किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा डी है यूरिनरी ब्लैडर, किडनी यूरेटर यूरेथ्रा यस हमारा ऑप्शन होगा सी आप खुद सोचिए किडनी से यूरिन कहाँ जाती है यूरेटर में यूरेटर जो एक ट्यूबलाइट हो स्ट्रक्चर होता है वहां से आती है यूरिनरी ब्लैडर में और वहां से जाती है यूरेथ्रा में तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डायलिसिस यूनिट इट मीन्स आर्टिफिशियल किडनी कंटेंस अ फ्लूड विच इज़ ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा बट एक्सेप्ट दैट इट कंटेंस ये प्लाज्मा की तरह तो होता है लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है और वो क्या होता है आपको बताना है फर्स्ट इट कंटेंस हाई ग्लूकोज बी है हाई यूरिया सी है हाई यूरिक एसिड एंड डी है हाई अमोनिया और ई e है नो no यूरिया हमारा आंसर आएगा ई नो यूरिया आर्टिफिशियल किडनी में यूरिया प्रेजेंट नहीं होता चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व प्लांट्स रिलीज गैशियस वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एट डैश ये द ब्लैंक्स है आपको इसका आंसर देना है एंड अदर्स लाइक डैश थ्रू स्टोमेटा एंड क्विकली सोचिए इसका जो फर्स्ट आएगा प्लांट्स रिलीज गैशियस वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट क्योंकि नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है सीओ टू वो रिलीज होता है और जो दूसरा ऑप्शन आएगा दूसरा आंसर आएगा फिल इन द ब्लैंक्स का अदर्स लाइक थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स क्या प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन क्लियर है ये आपको चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस इसेंशियल ऑयल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसेंशियल ऑयल के जो ऑक्सीडेशन से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता बनता है जो हमारे लिए ह्यूमन के लिए बहुत यूजफुल है ऑप्शनस है ए गम्स बी लेटेक्स, सी रेजींस एंड डी है टेनिन आंसर है सी रेजीन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं द मेजर गैशियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इज ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बी ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड सी है गम्स कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट में आता है आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन ऑप्शन बी आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं द एक्सक्रीटरी organ इन एंड अर्थवर्म आर आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एनिमल्स के बारे में भी बहुत शॉर्ट में बताया था ऑप्शन है ए है यूरेटर और डी है आपका आंसर होना चाहिए ए नेफ्रीडिया नेफ्रीडिया जो है वो अर्थवर्म uh, का जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं द सब्सटेंस विच इज नॉट रीएब्सॉर्ब इन टू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफरॉन इज मोस्टली ग्लूकोस एमिनो एसिड्स यूरिया वॉटर जो रीएब्सॉर्ब नहीं होता कौन सा यस ऑप्शन सी यूरिया आंसर होगा यूरिया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीट फ्रॉम मैमल्स सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है कौन सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड बी है स्वेट सी है यूरिन डी है ऑक्सीजन यूरिन आंसर है ऑप्शन सी यूरिन अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूं ये थोड़ा न्यू इंट्रोड्यूस किया है इसको कोडिंग क्वेश्चंस कहते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपको ऑप्शन इसमें ढूंढना है और आपको ए बी सी डी में कोड करना है मैंने आपके लिए दो प्रिपेयर किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बार बार एग्ज़ाम्स में पूछ रहे हैं लास्ट ईयर भी आए थे तो चलिए पहला हम देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अपो ऑप्शंस फ्रॉम द कोर्ट्स कॉलम ए है पहले कॉलम ए पढ़ देती हूँ मैं ए है नेफ्रीडिया बी है बोमेंस कैप्सूल सी है ऑस्मो रेगुलेशन डी है किडनी फेलियर एंड ई है यूरिन इसके सामने आप जैसे देख रहे हैं कॉलम बी में हम जो मैच द फॉलोइंग करते हैं सेम है बट ये मैच द फॉलोइंग आपको करना है मैच द फॉलोइंग करके आपको जो नीचे कोडिंग है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसके अंदर देखिए कॉलम बी में है फर्स्ट है ग्लोबोरिलस सेकेंड है किडनी थर्ड है डायलिसिस फोर्थ है पेलियलो एंड फिफ्थ है अर्थवॉर्म अब आप कोड देख लीजिए कोड में ए है हमारा ऑप्शन फाइव वन टू थ्री फोर ए बी सी डी ई आपको इसमें ऑप्शन आपको अपने आप सेलेक्ट करना है और कोड आपको बताना है बी है हमारा वन टू फाइव फोर थ्री सी है हमारा टू फोर थ्री वन फाइव डी है हमारा फाइव टू फोर थ्री वन आपको कुछ नहीं करना है आपको सिंपल हम हमने जो यहाँ पर देखा है आपको मैच द फॉलोइंग करना है मैं आपको एक करके बताती हूँ जैसे नेफ्रीडिया है आप देख रहे हैं नेफ्रीडिया का आंसर क्या होगा किस में होता है नेफ्रीडिया अर्थवम में यानी फिफ्थ हमारा हमारा फर्स्ट आएगा फाइव वोमन्स कैप्सूल वोमन्स कैप्सूल किस में होता है ग्लोमरिलस यानी हमारा आएगा वन पहला हमारा ऑप्शन में मैच uh, फॉलोइंग में फाइव आया है दूसरा हमारा वन आया है थर्ड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन कहाँ होता है किडनी में तो हमारा आया टू अब आप देखिए पहला आंसर आपका फाइव है दूसरा वन है तीसरा आपका टू है फोर्थ आप देखिए किडनी फेलियर, किडनी फेलियर है थर्ड हमारा डायलिसिस फाइव वन टू थ्री यह आ गया है आपका यूरिन पेल येलो लो आप इस इसको लिख दीजिए फाइव वन टू थ्री फोर और आप कोड मैच कीजिए आपका फर्स्ट जो आ रहा है ए जो आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है देखिए यहाँ पर ए में आंसर फाइव आएगा बी का आंसर वन है सी का टू है डी का थ्री है और ई e का फोर है तो आपको ये कोडिंग वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ईजी है लेकिन थोड़ा सा उसको मैच द फॉलोइंग को ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है एक और हम कोडिंग का कर लेते हैं मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सिलेक्ट द ऑप्शन कॉलम वन एंड कॉलम टू दिया है वो ही सेम एबीसी कॉलम वन में ए है किडनी बी है रीनल वेन सी है लिवर डी है डायलाइजिंग फ्लूड ई e है अमोनिया और इसका जो कॉलम टू में ऑप्शन इसका जो ऑप्शंस दिए हैं वन है यूरिया सेकंड है नो यूरिया थर्ड है एक्वेटिक एनिमल्स फोर्थ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइव है बर्ड्स एंड ह्यूमंस आपको मैच द फॉलोइंग करना है और आपको करेक्ट कोड बताना है तो हम देख लेते हैं कोड आपके दिए ए दिया है फाइव फोर वन टू थ्री बी आपका है फाइव टू फोर वन थ्री सी है वन फोर थ्री टू फाइव डी है टू फोर वन थ्री फाइव अब आप खुद देखिए हम पहले करके देखते हैं किडनी किडनी का किडनी किस में होती है आप देखो इन सब ऑप्शन में बर्ड्स एंड ह्यूमंस में ह्यूमन्स में किडनी होती है बर्ड्स में भी किडनी होती है तो हमारा एक का आंसर क्या आएगा ए का हमारा मैच दो फॉलोइंग में आएगा फाइव बी देखिए रीनल वेन रीनल वेन कहाँ होती है रीनल वेन क्या, क्या कैरी करती है आप फोर देखिए डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारा बी का ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी का ऑप्शन आ जाएगा फोर यानी पहला फाइव है दूसरा फोर है लिवर लिवर के अंदर लिवर का आंसर क्या आएगा हमारा यूरिया लिवर यूरिया ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारा इसका आंसर आएगा यूरिया नेक्स्ट देखिए डायलिसिस डायलाइजिंग फ्लूड फ्लु, डायलाइजिंग फ्लूड देखिए डायलाइजिंग फ्लूड कौन सा होता है जिसमें यूरिया प्रेजेंट नहीं होगा मतलब सेकेंड लास्ट है हमारा जो ई है वो है अमोनिया आप देखिए अमोनिया इसका क्या इसका ऑप्शन क्या आएगा एक्वेटिक एनिमल ठीक है तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या आ गया है ए का फाइव बी का फोर सी का वन डी का टू ए e का थ्री अब आप इसमें से कोडिंग में से मैच कर लीजिए कहाँ पर आपका करेक्ट आ रहा है तो आप देखिए आपका आंसर ए करेक्ट कोड आ रहा है ए एक फाइव बी फोर सी वन डी टू ए थ्री तो ये मैंने आपको एक्सक्रीशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको करा लिया करा दिए हैं आप इसको बार बार ट्राई कीजिए और पहले थेरी पढ़िए आप जितनी थेरी पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगी आप इसको सॉल्व कीजिए मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा हम एक्सक्रीशन से रिलेटेड ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए